अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार और आसान वाइट चिकन पुलाव। इतनी आसान रेसिपी कि हर कोई इसको आराम से बना लेगा। इसके अलावा कोई मुश्किल मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास घर में मौजूद हैं मसाले, उनको इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन वाइट चिकन पुलाव बनाएंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास चावल हैं। 750 ग्राम मैंने बासमती चावल लिए हैं। इनमें पानी डालेंगे और चावलों को तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं भीगने के लिए रख दूंगी। इसके बाद हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। पुलाव में ऑयल ज़्यादा निकला हुआ अच्छा लगता है, वरना पुलाव रूखा रूखा बनता है। 10 से 12 लौंग डालेंगे। इलायची है, हरी इलायची, ये भी 6 से 7 अदद डालेंगे। साबित काली मिर्च 1 टीस्पून या 20 से 25 अदद हम इसमें डालेंगे। दालचीनी स्टिक्स हैं 3 हम इसमें डालेंगे। बड़ी इलायची 4 से 5 अदद हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा ये बादियान के फूल हैं 2 से 3 अदद इसमें जाएंगे। शाहजीरा मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर शाहजीरा ना हो तो आप साबित सफ़ेद जीरा भी डाल सकते हैं 2 टीस्पून। अब इन सारे मसालों का हमने फ्लेवर निकालना है, तो इसके लिए आंच को मीडियम करके इन सारे मसालों को 1 मिनट के लिए हम कड़कड़ा लेंगे, ताकि सारे मसालों की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई। आंच को मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे प्याज को फ्राई करेंगे कि प्याज हल्की सी नरम हो जाए। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हल्का सा नरम करना है। तो ये देखिए, अब प्याज हल्की सी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब लहसुन अदरक को भी हमने मीडियम आंच पे 2 सेकंड के लिए भून लेना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि लहसुन अदरक में कच्चापन रहेगा तो वो पुलाव में टेस्ट आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो लहसुन अदरक की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, अब ये लहसुन अदरक पे हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि प्याज पे कलर ना आए, क्योंकि हमने पुलाव को वाइट रखना है तो प्याज पे हमने कलर नहीं आने देना। अब 2 सेकंड के लिए हम मज़ीद इसको भून लेते हैं। और अभी जो मसालों की खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से खुशबू आना स्टार्ट हुई है। अब देखें, ये प्याज पिंक कलर की हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन मेरे पास 800 ग्राम है और चिकन की बोटी थोड़ी सी बड़ी रखवा लीजिएगा, कोरमा कट करवा लीजिएगा, क्योंकि पुलाव में थोड़ी बड़ी बोटी अच्छी लगती है। आँच को तेज़ करके चिकन को हमने फ्राई करना है। चिकन में से जो भी पानी निकलेगा उसको ड्राई करना है। चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए। अब ये देखें, चिकन बेहतरीन फ्राई हो चुका है। इस पर हल्का सा पिंक कलर आना स्टार्ट हो गया है चिकन पर। अब हम इसमें 1/2 कप डालेंगे दही। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून। 20 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कूट लिया है, और पुलाव में जितना भी स्पाइस आएगा वो इसी हरी मिर्चों के पेस्ट से आएगा। आप चाहें तो कम ज़्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से। 1/2 टेबल स्पून कुटावा सौंफ और 1/2 टेबल स्पून कुटावा धनिया हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा 2 अदद तेज़ पत्ते हम इसमें डालेंगे। आंच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पे अब हमने दोबारा से 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है। दही में से जितना भी पानी निकलेगा उसको ड्राई करना है और इन सारे मसालों को बहुत अच्छा भून लेना है। अब ये देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है दही का। 2 मिनट तेज़ आंच पे मैंने इन सारे मसालों को भूना है और अभी सारे मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जा चुका है और बड़ी मज़ेदार सी चिकन हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 3 ग्लास मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ। 750 ग्राम चावल के लिए 3 ग्लास पानी के या फिर 6 कप पानी के हमने डालना है। 1 टेबल स्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा नमक रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, इससे ज़रा अच्छा मज़ेदार हमारा पुलाव हो जाएगा। चिकन क्यूब नहीं डालूंगी, इससे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हरी मिर्चें 6 से 7 अदद हम इसमें डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मुझे पुलाव में अच्छे लगते हैं तो मैं डाल रही हूँ, आपने नहीं डालने तो बेशक ना डालें। 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे देखें, चिकन को हमने भुना था तो काफ़ी हद तक चिकन भुनाई में भी गल चुका है। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि चिकन ने दम में भी पकना है तो बहुत ज़्यादा पक जाएगी, गल जाएगी। तो ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और यहाँ पर टमाटर काफ़ी हद तक थोड़े से नरम हो चुके हैं और चिकन भी तकरीबन 80% गल चुका है। जो 20% रह गया है वो इंशाल्लाह दम में ये पक जाएगा। यहाँ पे हमने 100% नहीं पकाना है चिकन को। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों को मैंने धो के साफ़ कर लिया है और अब ये धुले हुए चावल इसमें जाएंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हमने चावलों को मिक्स करना है ताकि ये पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ।
और ये देखें चावल मुकम्मल तौर पे यखनी में डूबे हुए हैं। 4 कप चावल में 6 कप हमने पानी का डाला है, तो ये बेहतरीन रेशो है। बाकी आप अपने चावलों के हिसाब से देख लीजिएगा, नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो आप यहाँ पे नमक मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने देंगे बॉयल, तो ये देखें बॉयल आ गया है। अब तेज़ आंच पे इस पानी को हम ड्राई होने देंगे। मैं कवर करके इस पानी को ड्राई करूंगी, इससे क्या होगा कि स्टीम ऊपर तक आएगी, जो ऊपर की लेयर में जो चावल हैं वो भी हमारे अच्छे नरम बनेंगे। तो ये देखें अब पानी तकरीबन यहाँ पे ड्राई होने पर है, और 2 मिनट बस मैंने कवर करके इसको पकाया था। और ये मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि चावल नीचे लगे नहीं। पानी तकरीबन 1/4 कप नीचे बेस में मौजूद है, बिल्कुल पानी ड्राई नहीं करना वरना चावल लग जाएंगे। इसको कवर कर देंगे, 2 मिनट तेज़ आंच पे रखें, मीडियम टू हाई पे रखें। इसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का करके हमने 15 मिनट का दम देना है। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें इस पॉइंट में मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती हैं कि जब वो मिक्स करती हैं तो चावल गीले गीले होते हैं। ढक्कन हटाने के बाद आप तकरीबन 3 से 4 मिनट छोड़ दें, उसके बाद मिक्स करें, क्योंकि जब तक स्टीम होती है चावल गीले होते हैं, आपने फ़ौरन से चावलों को मिक्स नहीं करना है। तो मैंने भी 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे चावल निकालेंगे अपने थाल में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, मज़ेदार हमारा वाइट चिकन पुलाव तैयार है। बेसिक से मसाले हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं जो भी हमारे पास घर में मौजूद है। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है, जबकि हमने इसमें किसी किस्म का केवड़ा एसेंस यूज़ नहीं किया, फिर भी मसालों की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाना है, बहुत मज़े का बनता है, और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।